हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटेड कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर, और यहां मैं आपको इस वीडियो में एक जबरदस्त स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूं, जिसमें आप 90% एक्यूरेसी की उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और वो इंडिकेटर है आपका सुपर ट्रेंड। तो चलिए इस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को समझते हैं, जहाँ पे हमें 90% एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करने को मिलेगा। यहाँ पे हम चार्ट में आ गए, और ये जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये आपका डेविस लैब का चार्ट है, और ये आपका आवर्ली टाइम फ्रेम वाला चार्ट। ये नहीं, सबसे पहले यहाँ पे जो हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करने जा रहे हैं, वो यहाँ पे हम आवर्ली टाइम फ्रेम में फॉर्म करने जा रहे हैं। यानी यहाँ पे आपको आवर्ली टाइम फ्रेम लेना है, और स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए जो सबसे परफेक्ट टाइम फ्रेम होता है वो आपका आवर्ली टाइम फ्रेम ही होता है। ना ही इससे ऊपर जाना, ना ही इससे नीचे आना। स्विंग ट्रेडिंग आप आवर्ली टाइम फ्रेम में कीजिए, वो आपको परफेक्ट रिजल्ट बना के देगा। यहाँ पे हम एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जो कि आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड इंडिकेशन का इंडिकेटर का हम यूज कर रहे हैं, और ये काफी हद तक हमें रियल टाइम में ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, बहुत जल्दी ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि कई बार यहाँ पे हमें फॉल्स सिग्नल्स देखने को मिल जाता है, जिसके जरिए आप आसानी से ट्रैप में फंस सकते हैं। इस ट्रैप से हम कैसे बचेंगे, वो यहाँ पे हमें सीखने की जरूरत है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, अल्टीमेटली आपका एसएल हिट हो जाएगा, आप यहाँ पे लॉस में फंस जाएंगे। वैसे यहाँ पे आप बाई करोगे फिर भी आप ट्रैप में फंस सकते हो, यहाँ पे आप सेल करोगे फिर भी आप यहाँ पे आसानी से ट्रैप में फंस सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे बाई करते हो तो ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो ये सेलिंग पोजीशंस भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना के देगा। तो ये दो बाय और सेल हमें प्रॉफिट बना के क्यों दे रहा, जबकि यहाँ पे सेल और बाय करने से हमें नुकसान क्यों हो रहा, ये चीज आपको सीखने और समझने की जरूरत है। और यहाँ पे हमें इसके लिए कुछ फिल्टर लगाने की जरूरत होगा, ताकि इस तरीके का जो छोटा छोटा ट्रैप होता है जहाँ पे हम बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं, इस नुकसान से हम अपने आप को कैसे बचा सके, ये आपको समझने की जरूरत है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड के साथ हम एक पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे, और उसी के बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस लेंगे। यानी पैटर्न में हम क्या फाइंड करेंगे, पैटर्न में हम फाइंड करेंगे कंसोलिडेशन फाइंड करेंगे। यानी यहाँ पे हम एक रेंज बाउंड मूव को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग सेटअप क्या है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला है कि यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड यूज करेंगे। अब सुपर ट्रेंड से हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ से बाय सिग्नल मिलेगा और एट द सेम टाइम सेल सिग्नल मिलेगा। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, बाय सिग्नल से जस्ट पहले या फिर बाय सिग्नल मिलने के साथ ही या फिर उसके जस्ट बाद हमें चाहिए कंसोलिडेशन या फिर रेंज बाउंड मूव। दूसरा पॉइंट ये है, जैसे ही हमें मिला उसके बाद हमें बाय सिग्नल मिलता है तो हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, जैसे ब्रेकआउट मिलेगा बाय साइड की तरफ जाएंगे, सेल सिग्नल मिलेगा तो हम सेल साइड की तरफ वेट करेंगे, जैसे हमें ब्रेकडाउन मिलेगा हम एंट्री लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके समझते हैं, क्योंकि जो हमने बताया वहां से आपको समझ में नहीं आया होगा, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हमें बाय सिग्नल दिया है कहाँ से, सुपर ट्रेंड से। उसके बाद हमें क्या चाहिए, सुपर ट्रेंड ने अपना काम कर दिया, हमें बाय सिग्नल दे दिया, लेकिन दूसरा पॉइंट क्या था कि यहाँ पे हमें चाहिए एक रेंज बाउंड मूव, तभी हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करेंगे। और देखिए पहला आपका बिग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइस आपका इसके अंदर ही मूव करता हुआ दिखा, यानी काफी हद तक यहाँ पे हमें इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि हमें क्लियर कट बता रहा है कि यहाँ पे प्राइस में कंसोलिडेशन एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर रहा है। और ये रेंज बाउंड मूव थोड़ा सा बिग होना चाहिए, दो तीन कैंडल का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानी 8 ट्रेडिंग आवर्स का है, और जनरली आपका वन डे में कितना होता है, 6 ट्रेडिंग आवर्स होता है, यानी वन डे से ज्यादा का कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो हम बाय कब करेंगे, इसके हाईएस्ट पॉइंट को मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बाय साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन मिलता है, प्राइस इसके लोअर लेवल को ब्रेक करके नीचे जाता है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें उम्मीद था कि अपसाइड मूव का मेरे अगेंस्ट मार्केट गया, तो यहाँ पे हम सिंपली ट्रेडिंग अवॉइड कर देंगे, हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करेंगे। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं,
हमें किस तरफ ब्रेकआउट मिलेगा जो हमें ट्रेड करना, उसका आइडिया हमें पहले से ही मिलता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे हमें फाइनली ब्रेकआउट मिला, इसके लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। यहीं पे हम बाय साइड की तरफ क्लियर कट एंट्री लेंगे और इसका जो भी लोएस्ट पॉइंट है ये हमारे लिए एसएल के रूप में काम करेगा, फिर प्रीवियस स्विंग हाई या फिर जहां पे हमें कैंडल में वीकनेस देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टेल एट द टॉप बना है, छोटा सा रेड कैंडल बना है, यहीं पे हम चाहे तो पोजीशन से निकल सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं और यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट करने की जरूरत है। उसके बाद अल्टीमेटली प्राइस आपका और ऊपर साइड की तरफ गया है और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस नीचे आया और हमें यहाँ पे सेल साइड की तरफ इंडिकेशंस दिया है, लेकिन इससे पहले या फिर जब सेल साइड की तरफ इंडिकेशन दिया है तो हमें कोई रेंज बाउंड मूव देखने को नहीं मिला है, यानी यहाँ पे हमें एनी हाउ एक रेंज बाउंड मूव या फिर कंसोलिडेशन चाहिए। यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया तो इसके जस्ट बाद हमें चाहिए। उसके बाद वापस से देखिए प्राइस में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पे हमें एक रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है और ये कंसोलिडेशन लगभग आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैंडल से ज्यादा का, यानी यहाँ पे हमें 1 डे से ज्यादा का कंसोलिडेशन मिल रहा है। अब यहाँ पे हमें किस तरफ ट्रेड लेना है ये भी हमें पहले से आइडिया मिल जाएगा। सुपर ट्रेंड कहाँ इंडिकेशन दिया, ये दिया है नीचे साइड की तरफ, यानी सेल साइड की तरफ जाने के लिए इंडिकेशन दिया है। तो यहाँ पे हम ब्रेकडाउन के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, जैसे ब्रेकडाउन मिलेगा हम यहाँ पे सेल साइड की तरफ एंट्री ले लेंगे। इस पैटर्न का जो भी हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट ये हमारा एसएल के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा और फिर हम नीचे मूव के लिए जा सकते हैं। जो भी प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट है ये हमारा टारगेट प्राइस के रूप में काम करता हुआ दिख जाएगा, जिसको ये आसानी से हिट कर दिया। और एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको ट्रेड लेने से पहले रिस्क भी अपना चेक करना और रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको हमेशा चेक करते रहना। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं बताऊं या फिर नहीं बताऊं, ये आपका फाइनल पॉइंट होगा जिसके बाद हमें टेक ऑफ करना, यानी हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करना है। तो ऐसे ही ट्रेड लेने टाइम या फिर ट्रेड लेने से जस्ट पहले या फिर ट्रेड लेने के जस्ट बाद, ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, हमें एक रेंज बाउंड या फिर कंसोलिडेशन मिलना चाहिए जहां से हम फॉल्स मूव को फिल्टर कर सकते हैं, रियल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करते हुए ट्रेडिंग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक स्पेशल सा कोर्स डिजाइन किया। उसके लिए आपको हमारा मोबाइल ऐप इक्विटी कम्युनिटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, नहीं तो मोबाइल ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे हमने इस तरीके से बताया कि आप एज अ इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में काम कर सकते हैं, खुद से अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं, खुद से अपने लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी फॉर्म कर सकते हैं और आप चाहो तो स्टॉक मार्केट में कैरियर भी बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक भी बताया है। तो एक बार आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कोर्स को जरूर विजिट कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो आप इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये दूसरा एग्जांपल है और ये एग्जांपल है आपका रिलायंस इंडस्ट्री का, जहाँ पे हम आवर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर बात करें और यहाँ पे हम जितने भी एग्जाम्पल लेंगे सारा का सारा आपका आवर्ली टाइम फ्रेम में ही होगा और आपको कोशिश करना है कि स्विंग ट्रेडिंग आप आवर्ली टाइम फ्रेम में ही कीजिए, क्योंकि आपका परफेक्ट टाइम सेटअप है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए सुपर ट्रेंड की तरफ से हमें एक बाय सिग्नल मिला है, लेकिन इससे पहले या फिर इसके जस्ट बाद या फिर इसी के टाइम हमें क्या चाहिए, हमें प्राइस में कंसोलिडेशन चाहिए, एक रेंज बाउंड मूव चाहिए, जो कि यहाँ पे हमें नहीं मिला। रेंज बाउंड मूव मिला कहाँ, यहाँ पे जहाँ पे हमें बाय सिग्नल मिला उससे बहुत लेट हमें रेंज बाउंड मूव दिखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग पोजिशंस अवॉइड करेंगे। यहाँ पे आप कई बार सोचेंगे कि हमें बिग प्रॉफिट मिस हो गया, यहाँ पे हमें क्लियर कट प्रॉफिट मिलता हुआ दिख जाता अगर हम ट्रेड लेते तो, लेकिन अगर आप इस ट्रेड के पीछे भागोगे तो आप बहुत सारे जगहों पे ट्रैप में आसानी से फंस सकते हो, फिर आपको मेजर लॉसेस उठाना पड़ जाएगा। इसलिए जब भी हमें रेंज बाउंड मूव या फिर कंसोलिडेशन नहीं दिखे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद, या फिर जब हमें सुपर ट्रेंड बाय या सेल सिग्नल दे रहा है तो हमें ट्रेड नहीं लेना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना, स्ट्रिक्टली अप्लाई करना। अब इसके बाद प्राइस में यहाँ पे हमें कंसोलिडेशन देखने को मिला, एक आपका बिग ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद मेजर हमें क्या देखने को मिला, इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हमें क्लियर कट देखने को मिल गया। अब इनसाइड बार कैंडल के बाद ये जो पैटर्न बना है या फिर कंसोलिडेशन दे रहा है, इसके बाद कहीं पे भी हमें मूव देखने को मिल सकता अपसाइड और डाउन साइड, लेकिन हमें देखना है कि सुपर ट्रेंड हमें क्या इंडिकेशन देता है, वही डायरेक्शन हमें फॉलो करना है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ब्रेकडाउन भी चाहिए। अब देखिए सुपर ट्रेंड यहाँ पे सेल साइड की तरफ दिया और वही कैंडल इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके नीचे आया, यानी यहाँ पे हमें क्लियर कट एक ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, जिसके बेसिस पे आसानी से हम ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। यानी
इसी लेवल के आसपास हमें सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना है और हमारा टारगेट प्राइस प्रीवियस लोएस्ट पॉइंट होगा। पहला टारगेट प्राइस हमारा ये हो जाएगा, दूसरा टारगेट प्राइस हमारा इस पॉइंट के आसपास हो जाएगा। जहां पे आते ही हमें सेलर्स में कमजोरी दिखा, बायर्स में इनिशिएशन दिखा, तो आप चाहो तो इस लेवल के आसपास एग्जिट कर सकते हो या फिर यहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। तो ऐसे ही हमें ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट करने की जरूरत है यूजिंग सुपर ट्रेंड। और यहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं, तो कई बार हमारा एसएल थोड़ा सा बिग हो सकता है। यहाँ पे जो हम एसएल रखेंगे इस लेवल के आसपास रखेंगे और हम जो एंट्री ले रहे हैं इसी लेवल के आसपास, यानी यहाँ पे हमारा एसएल और टारगेट प्राइस लगभग एक बराबर है, यानी 1:1 है। तो यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हम ट्रेडिंग पोजीशंस ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो अगर आप ट्रेडिंग पोजीशंस अवॉइड भी कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड चेक कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी ट्रेड लीजिए, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में कंफर्टेबल रहते हैं। कोई 1:1 में भी जाना चाहते हैं, लेकिन कोई 1:2 जब तक नहीं मिलेगा, यानी जब तक रिवॉर्ड उनको डबल नहीं मिलेगा तब तक वो जाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे ही आप अपने हिसाब से ये सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। सो उम्मीद करते हैं ये सिंपल सा टेक्निक, ये स्ट्रेटजी था जिसके बेसिस पे आप स्विंग ट्रेडिंग के एक्यूरेसी लेवल को 90% तक इंप्रूव कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो हम और भी आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।